दोस्तों नमस्कार। कहीं कोयले की खदान मिल गई तो कहीं बॉक्साइट के खदान की बोली जीत ली, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक कोयले बेचने को लगाई थी उसे उठा लिया, और कहीं अमेरिका की कंपनी ने 15,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर उस कंपनी के खरीद लिए जो कंपनी 2,00,000 करोड़ के कर्ज पे है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति डामाडोल है, और भारत के शेयर मार्केट के भीतर जिसने सिर्फ 1.25 महीने में 12,00,000 करोड़ से ज्यादा गवा दिए। दोस्तों हम जिक्र कर रहे हैं अडानी ग्रुप का, हम जिक्र कर रहे हैं गौतम अडानी का। मौजूदा परिस्थितियां बताती हैं कि सरकार साथ खड़ी हुई है, नई परिस्थितियां बताती हैं कि हालात कैसे भी बिगड़ जाएं, लेकिन अडानी को डूबने नहीं दिया जाएगा। भारत इस दौर में दुनिया के केंद्र पर है। भारत को पता है कि किसी भी सत्ता की ताकत उसकी इकोनॉमी में छिपी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके साथ खड़ी हुई है। G20 की अगुवाई करते हुए भारत उस स्थिति में खड़ा है जहां US और UK की राय पूर्णतः अलग है रशिया और चाइना को लेकर। भारत को जहां एक तरफ US और UK अपने साथ लाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया और चाइना भी। वैश्विक स्तर पर उभरते हुए नए वर्ल्ड ऑर्डर और नई इकोनॉमिक व्यवस्था की केंद्र पर आज भारत है। इन परिस्थितियों में भारत की सत्ता को अपने इकोनॉमिक मॉडल के लिए कुछ बड़े प्लेयर्स की जरूरत होगी, और अंबानी के बाद अगर भारत में कोई बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है तो वह है अडानी। इस देश में जो हवाई अड्डे हैं उसके 25% पैसेंजर्स की आवाजाही उन्हीं 6 एयरपोर्टों से होती है जो इस वक्त अडानी के पास हैं। अडानी के पास जितने बंदरगाह हैं उसमें लगभग 40% कार्गो की आवाजाही होती है। जो पावर सेक्टर है, जो एनर्जी सेक्टर है, और जो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए सबसे मजबूत कदम है, वह अडानी ग्रुप के हैं। ऐसे में अचानक से हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आती है जिसने अडानी ग्रुप की नींव हिला दी। वैश्विक स्तर पर भी उसकी साख निचले पायदान पर पहुंच गई। इन हालातों में मौजूदा सरकार की लगातार इस मामले पर चुप्पी ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन अडानी को गिरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत की सत्ता जिन प्लेयर्स के जरिए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ना चाहती है उनमें से सबसे बड़े प्लेयर अडानी हैं। ऐसे में इन परिस्थितियों में सत्ता को यह बहुत अच्छे से पता है कि अडानी की वैल्यू को सबसे पहले स्टेबलाइज करने के लिए शेयर बाजार को अडानी के अनुकूल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर के जो कमेटी बनाई गई है उसे 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। ऐसे में इन्हीं 2 महीनों में एक बड़ी हलचल अडानी ग्रुप को लेकर के इस देश में होने वाली है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने इस मामले पर कुछ पहल शुरू की या नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि संसद में केवल चुप्पी भर साथ लेने से इस मसले का हल नहीं निकलेगा। दोस्तों सबसे पहले प्रयास करते हैं कुछ ऐसी परिस्थितियों को समझने की जो बताती हैं कि सत्ता ने अडानी का हाथ थाम रखा है। दोस्तों अडानी ग्रुप की साझेदारी कंपनी है मुंद्रा एल्यूमिनियम लिमिटेड। इस कंपनी ने उड़ीसा के भीतर बॉक्साइड माइनिंग की बिड अपने नाम कर ली है। बोली में अडानी ग्रुप को सबसे सफल बिडर के रूप में पाया गया। यह बॉक्साइड ब्लॉक उड़ीसा में कोल्हापुर और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मध्य आता है। यहाँ पर 128 मिलियन टन का बॉक्साइड ब्लॉक है। पिछले साल ही अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में 57,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रखा है, लेकिन हाल में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर जो चोट पहुंचाई थी उस परिस्थिति में अब इस डील ने ऑक्सीजन का काम किया है। इसके अलावा एक अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी ग्रुप को राहत दी। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीशियन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अडानी ग्रुप और GMR ग्रुप पर कुछ एलिगेशन लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस एलिगेशन को तो हटाया ही, साथ ही कंपेंसेशन की बात को भी स्वीकारा। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी मदद मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दरअसल एक US बेस्ड फर्म GQG ने अडानी ग्रुप में $1.87 बिलियन यानी 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यह इन्वेस्टमेंट अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन में हुए हैं। और यही नहीं, GQG के चेयरमैन और CIO राजीव जैन, जो कि एक भारतीय हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया अडानी आज के दौर पे सबसे बेहतर एंटरप्रेन्योर है। इन गिरते हालातों में अचानक से इतने बड़े इन्वेस्टमेंट ने अडानी ग्रुप को बहुत बड़ा आधार प्रदान किया है। अब इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि क्या अडानी के गिरते मौजूदा हालातों में सरकार की तरफ से ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं जिससे बाजार में उसकी साख ना गिरे। दोस्तों कई रिपोर्टों का यह भी दावा है कि अडानी मार्च के महीने में दुबई, लंदन और US के कई बड़े शहरों में एक बड़ा फिक्स्ड इनकम रोड शो करने जा रहे हैं। ऐसे रोड शो सिंगापुर और हांगकांग में पहले ही किए जा चुके हैं। दरअसल यह इसलिए हो रहा है ताकि हिंडनबर्ग की चोट के कारण जो अडानी ग्रुप की साख गिर गई थी और बड़ी मात्रा में अलग अलग देशों में जो पेंशन फंड का पैसा लगाया गया था वह निकाला जा रहा था, लोग अपने रिटर्न की मांग कर रहे थे। ऐसे में उनके भरोसे को फिर से जीतने के लिए सीधे तौर पर उनसे मुलाकात की जा रही है। दोस्तों इन सभी रियायतों, खबरों और इन्वेस्टमेंट का असर यह हुआ कि पिछले कुछ दिनों में अडानी के शेयर में एक बड़ा उछाल आया और अडानी ग्रुप के शेयर अब फिर से ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे हैं। दोस्तों अब अगर हम बात सरकार की अडानी ग्रुप को लेकर के मदद की कर रहे हैं तो आपको गौर करना चाहिए उस कमेटी पर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अडानी ग्रुप की जांच को लेकर बनाई गई है।
इस कमेटी के अध्यक्ष हैं जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और अन्य सदस्य हैं ओपी भट्ट, जस्टिस पी देवेंदर, केवी कामत, नंदन नीलेकर्णी और सोमशेखर सुदर्शन। कई जानकारों का कहना है कि ओपी भट्ट, जो कि एसबीआई के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने अपने दौर में कॉरपोरेट्स की काफी मदद की, जिनमें रिलायंस सबसे प्रमुख रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति केवी कामत की भी है। ऐसे में विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस कमेटी का फैसला अडानी के फेवर में ही आने वाला है। हालांकि इतनी जल्दी इस कमेटी पर संदेह करना सही नहीं होगा। दोस्तों, इन सभी बातों का लब्बो लबाब यही है कि अडानी ग्रुप को बचाना, उसे संरक्षण देना सत्ता की जरूरत है और मजबूरी भी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो नई इकोनॉमिक व्यवस्था, नया इकोनॉमिक ऑर्डर उभर कर आ रहा है, उसमें उसे अडानी जैसे बड़े प्लेयर्स की अत्यधिक जरूरत है। और इसका बड़ा कारण यही है कि अडानी आज भारत के हर सेक्टर में फैले हुए हैं। उन्होंने हर व्यवसाय में एक मोनोपोली बना रखी है, वह बंदरगाह हो या ग्रीन एनर्जी या एयरपोर्ट या खदान या रियल एस्टेट, हर जगह बस अडानी अडानी। ऐसे में अडानी पर अगर चोट लगती है और उसे कुछ नुकसान होता है, तो इस चोट का दर्द सत्ता को भी पहुंचेगा। और मौजूदा परिस्थिति में सत्ता ने देश को इस हालत पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर वैश्विक स्तर पर अडानी की साख गिरती है, तो इसे भारत की गिरती हुई स्थिति के तौर पर देखा जाएगा, जिसका सीधा असर भारत की उस आम जनता पर होगा जो अपने मेहनत और खून पसीने की कमाई सरकार को इसलिए दे रही है कि वह उसे बेहतर कल देगा, वह उसके आने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य देगा। किंतु सत्ता ने ठान रखा है कि भारत में भविष्य अच्छा तो सिर्फ चंद लोगों का ही होगा।